बहुत दुर्लभ क्षण है, आप इन क्षणों को अपने हृदय में उतार लें और मीडिया से रिक्वेस्ट है इन्हें कैमरे में उतार लें। बाबा से हम निवेदन करते हैं, आदरणीय बच्चन जी हमारे सामने हैं, उन्हें पुष्प भेंट करेंगे और शॉल से सम्मानित करेंगे। ये सब कुछ विलक्षण है जो आज इस मंच पर घटित हो रहा है। हमारा सौभाग्य है हमारे बीच मशहूर संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। प्यारेलाल जी हमारे सामने हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं कृपया मंच पर पधारें। इस शहर के मेयर श्री विश्वनाथ महाडेश्वर जी हमारे बीच हैं, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मंच पर आएं। बांद्रा के एमएलए भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी हमारे बीच हैं, आपसे हमारी गुजारिश है मंच पर आए आप सभी के आने से। किरण जोगलेकर जी कृपया मंच पर आए, कृपया मंच पर आए आप, आपके आए बगैर मंच अधूरा होगा। हमारा सौभाग्य ऐसे विद्वज्जन आज हमारे मंच पर है, मंच की शोभा बढ़ रही है, आयोजन की गरिमा बढ़ रही है। पंडित विजय घाटे से हम निवेदन करते हैं प्यारे लाल जी को पुष्प भेंट करें और उन्हें शॉल उड़ाकर अपना बना लें। किरण जोगलेकर जी से मैं निवेदन करता हूं, शहर के मेयर श्री विश्वनाथ महाडेश्वर जी को पुष्प भेंट करें और उन्हें भी शॉल उड़ाकर अपना बनाएं। नीलाद्री जी से हम निवेदन करते हैं, एडवोकेट आशीष शेलार जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने हमारे फाउंडेशन के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है, हमें उत्साहित किया है कि हम ऐसे आयोजन कर सकें। बांद्रा वेस्ट में ऐसे आयोजनों की कमी रहती है, हम आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहे हैं। नीलाद्री जी से निवेदन है आशीष जी को पुष्प भेंट करें और उन्हें शॉल उड़ाकर और अपना बना लें, वैसे तो अपने ही हैं। आप सभी अतिथियों से हम विनम्र निवेदन करते हैं यहाँ मंच पर सामने आए, ताकि आज के पंडित कार्तिक फाउंडेशन की विधिवत उद्घाटन हम यहाँ कर सकें माननीय अमिताभ बच्चन के हाथों से। जैसे कि हमारी परंपरा है, अक्सर हम रिबन काटते हैं, यहाँ पर आज रिबन नहीं काटेंगे, उंगलियों के स्पर्श से गिटार के की नोट को स्पर्श करके आदरणीय बच्चन जी आज के हमारे इस फाउंडेशन पंडित कार्तिक कुमार फाउंडेशन की विधिवत स्थापना की घोषणा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया सामने आ जाएं। पंडित कार्तिक कुमार फाउंडेशन की विधिवत उद्घाटन की घोषणा हो चुकी है बच्चन जी के हाथों, और हम माननीय बच्चन साहब से हम निवेदन करते हैं कि अपने शब्दों से हमें अभिभूत करें, हमें समृद्ध करें, हमारा मार्गदर्शन करें। यह हमारे लिए बड़े गर्व का पल है कि हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं और हमारा सौभाग्य है। देवियों सज्जनों नमस्कार। आज के इस उद्घाटन समारोह में नीलाद्री कुमार जी ने मुझे आमंत्रित किया, मैं अपना आभार प्रकट करता हूं और मुझे अवसर दिया कि
संगीत के सुरताल के दिग्गजों और महारथियों के बीच मुझे बैठने का अवसर मिला, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलाद्री कुमार जी को कई वर्ष पहले ऐसे ही एक सभा में हमने सुना, अच्छा लगा, उनसे भेंट हुई, थोड़ी बहुत बातें हुई, उसके बाद समय बीत गया, हम अपने राह चल पड़े, वो अपनी राह पे। कई वर्षों पहले अभी मेरे एक मित्र की शादी थी और उस ब्याह में मैं वहाँ उपस्थित था। ब्याह के जितने रीति रिवाज हैं वो सब चल रहे थे, हंसी मजाक गाना बजाना सब चल रहा था, और नेपथ्य में कहीं बहुत ही धीमे स्वर में कुछ एक सितार पर धुन बज रही थी। आमतौर पर ऐसा होता है ऐसे अवसरों पर, जिसे कहते हैं एम्बिएंट म्यूज़िक जो है वो बजता रहता है। मेरा ध्यान उस ओर गया और मैंने जानना चाहा कि ये क्या है, और ढूंढते ढूंढते उस सभा में मैं कहीं पीछे कोने में एक सज्जन बैठे थे, ऐसे ही उनके सामने ऐसी एक मशीन थी, उस पर वो कुछ संगीत बजा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये किसका संगीत है, क्या बजा रहे हो? कहा साहब हमको मालूम नहीं, हमको बोला था बजाने के लिए, सो हम बजा रहे हैं। मैंने कहा नहीं नहीं ढूंढो क्या है, कुछ तो होगा। बहुत ढूंढ ढांड के उसने एक सीडी निकाला, बोला साहब कोई नीलाद्री कुमार है बजा रहे हैं। कोई नीलाद्री कुमार? मैं अपने मन में ही इसकी मूर्खता पर हंसा और फिर घर पहुंचा, और जितने भी नीलाद्री कुमार जी के एल्बम थे, सीडीज थे, उन सबको मैंने खरीदा, डाउनलोड किया, और आज उन्हें प्रतिदिन मैं सुनता हूं, बड़ी शांति मिलती है उनसे। अपने पूज्य बाबू जी से एक बार मैंने पूछा कि लता जी की जो गायकी है, लता मंगेशकर की जो गायकी है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो उन्होंने कहा कि लता जी जब गाती हैं तो वो शहद की धार की तरह होता है, मिठास होती है शहद की, और शहद की धार क्योंकि तोड़ी नहीं जा सकती, इसलिए उनका सुर जो है वो कभी टूटता नहीं। नीलाद्री कुमार जी को जब मैं सितार बजाते हुए सुनता हूँ तो वही शहद की धार मुझे मिलती है, इनके वादन में वो मिठास है और इनके सुर जो हैं वो कभी टूटते नहीं हैं। कई बार हम लोग यहाँ पर बैठ करके जब जितने भी संगीत प्रेमी हैं अच्छे अच्छे सुरों को सुनते हैं तो हमारे मुंह से प्रशंसा निकलती है, वाह वाह ही निकलती है, और कभी हम सोच नहीं पाते थे कि ये क्यों ऐसा होता है। कि वो ऐसा इसलिए होता है देवियों सज्जनों की वो तार जिसे ये झंकृत करते हैं वो मनुष्य की आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है, और जब जब वो तार झंकृत होता है इंसान जो है वो परमात्मा के करीब पहुंच जाता है। मैं आज के इस कार्यक्रम की, आज के इस उद्घाटन की नीलाद्री जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इसी तरह अपने इन तारों को झंकृत करते रहें और हमारी आत्माओं को परमात्मा से मिलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अपने शब्दों से अपने आशीर्वाद से हमें समृद्ध किया, उपकृत किया, आपके मंच पर आने की, हमारे इस आयोजन में आने की बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार सामने आए तो हमारे कैमरा पर्सन, हमारी मीडिया एक बार कैमरे में कैद कर लें, और मैं बार बार कहता हूँ ये दुर्लभ क्षण है, इन्हें हम अपने हृदय में उतार लें और हृदय में सुरक्षित कर लें, संरक्षित कर लें। बड़ा आनंद आएगा जब अपने हृदय के द्वार आप फिर खोलेंगे। तो इसे स्मरण करके बहुत आनंद आएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस आयोजन में पधारने का, हमारे इस मंच पर आकर पंडित कार्तिक कुमार फाउंडेशन की विधिवत आरंभ की घोषणा करने के लिए। बच्चन जी का, प्यारे लाल जी का, आशीष जी का, हमारे मेयर महाडेश्वर जी का हम हृदय से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आप सभी के आने से आज के हमारे आयोजन की गरिमा बढ़ रही है और ये इतिहास लिखा जा रहा है सुरों की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद। हमारे संगीत प्रेमी जो अपार जन समुदाय यहाँ पर है, उन सभी की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।